सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं हुंडई क्रेटा का न्यूली लॉन्च्ड मॉडल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाइट एडिशन की। S प्लस ये मॉडल आप देख रहे हैं, डीजल में आपके लेके आए हैं। अब इसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, कितनी इसकी ऑन रोड प्राइस है, क्या इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल नेडी पहाड़ी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम में भी हमारे पेज नेडी पहाड़ी को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कुछ इस तरह के रिमोट की लॉक अनलॉक और बूट खोलने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आपको लेके चलेंगे। दोस्तों, शानदार इसकी फ्रंट प्रोफाइल लग रही है। LED DRLs आप देख सकते हैं। इसका डिजाइन एज इट इज रहने वाला है। अब इस S प्लस वेरिएंट में भी देखिए, ये ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं। लोअर सेक्शन की तरफ आएंगे तो देखिए, जो आपकी फॉग लैम्प्स हैं ये आपके हेलोजन में रहने वाले हैं। उसके बगल में टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अब जो मेजर चेंजेस हैं इस, ये मैं आपको चेकआउट करा देता हूं। तो देखिए, ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग दे दी गई है ग्रिल में। उसके साथ आप देखेंगे ये रेड इंसर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये ब्लैक ग्लॉस फिनिशिंग है दोस्तों, काफ़ी ही शानदार लग रही है रेड इंसर्ट के साथ। जो ओवरऑल थीम है ना ये ग्रिल एरिया की, इसको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा दे रही है, काफ़ी एनहांस कर दे रही है लुक को। ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग देखिए ये स्किट प्लेट में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये दो मेजर चेंजेस आपको फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलेंगे। S प्लस नाइट एडिशन देखिए अभी 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल के मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है। ऑटोमेटिक में अगर आप लेना चाहते हैं तो ये SX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको मिलेगा। पैनारोमिक सनरूफ इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। अब जो ये रूफ रेल्स है यहाँ भी ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। बी पिलर ब्लैकआउट टेप आपको मिलने वाला है। सी पिलर में भी देखिए ब्लैक ग्लॉस फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। इवन देखिए ए पिलर की तरफ भी अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला यहां भी ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। ORVM में भी ग्लॉस फिनिशिंग विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, इंटरनली एडजस्टेबल है ये दोस्तों, हालांकि ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलेगा। अब डोर हैंडल्स में देखिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड डोर में। सारे डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर ही आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए इस साइड मोल्डिंग में भी आपको ब्लैक ग्लॉस फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। 190mm की ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील आर क्लैडिंग ब्लैक अलॉयज, और ये देखिए रेड कैलिपर जो ब्रेक कैलिपर है ये आपको इसमें दिए गए हैं। 205/65R16 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। वहीं फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। रियर प्रोफाइल आपको चेकआउट कराएंगे और चेंजेस भी दिखाएंगे दोस्तों, क्या क्या इसमें करे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए शार्फिन एंटीना प्रोवाइड किया जा रहा है। रियर स्पॉइलर लक्ष्मी हुंडई में इस समय हम हैं दोस्तों। रियर डिफॉगर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, वाइपर विद वॉशर। अब देखिए स्टॉप लैम्प की पोजीशनिंग आपको देखने को मिलती है, हुंडई का लोगो, क्रेटा की बोल्ट पैचिंग हमें देखने को मिलती है। उसके नीचे ही कैमरे की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं इस तरह से रहने वाली है। अब देखिए क्योंकि नाइट एडिशन है तो नाइट की बैजिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। सी टाइप LED टेल लैम्प्स हम जानते हैं, जैसे हमें क्रेटा में मिलते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब देखिए जो आपकी स्किट प्लेट है यहाँ भी आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। तो ये आपके मेजर चेंजेस हैं आपकी नाइट की बैजिंग ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। बूट आपको चेकआउट कराएंगे दोस्तों। तो देखिए हम जानते हैं क्रेटा में एक अच्छा बूट 433 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। पार्सल ट्रेस में प्रोवाइड की जा रही है, बूट लैंप इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेयर टायर आपको चेकआउट कराएंगे दोस्तों। तो देखिए इसकी पोजीशनिंग यहाँ पर रहने वाली है, 16 इंच का ही आपको स्टील व्हील स्पेयर टायर प्रोवाइड किया जा रहा है। ब्लैक फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री विद कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द रियर पैसेंजर। रेड इंसर्ट आप देख सकते हैं, जबरदस्त ये लग रही है दोस्तों। AC वेंट्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नीचे देखेंगे तो USB चार्जिंग का स्लॉट और मोबाइल होल्डर की भी जगह दी जा रही है। LED लैंप्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरी हाइट 5'10" है, तो देखिए नी रूम, थाई सपोर्ट और हेडरूम देख लीजिए, काफ़ी शानदार मुझे लग रहा है। तीन लोगों के हिसाब से क्रेटा में सेटिंग अच्छी रहती है। रियर विंडो सनशेड आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द रियर पैसेंजर। दोनों ही रियर विंडो में आपको ये सनशेड देखने को मिल जाते हैं। डोर चेकआउट कराते हैं तो इनसाइड डोर हैंडल, उसके नीचे देखेंगे पावर विंडो का आपको कंट्रोल दिया गया है। हल्का फुल्का स्टोरेज मिल जाता है,
हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। स्पीकर की पोजिशनिंग इस तरह से रहने वाली है और बोटल होल्डर की जगह इसमें दी गई है। फ्रंट रो सीट्स आपको चेकआउट करा रहे हैं तो देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सीट्स में आप ये रेड इंसर्ट देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार ये सीट लग रही है दोस्तों। कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा इन सीट्स का रहता है। हाइट एडजस्टेबल लीवर के साथ आपको ये ड्राइवर सीट ऑफर की जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। ड्राइवर साइड डोर में देखिए ट्विटर की पोजिशनिंग इस तरह से रहने वाली है। इनसाइड डोर हैंडल ORVM को मैनेज करने के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। हल्का सा स्टोरेज, हार्ड टच यहाँ पर दिया गया है। स्पीकर की पोजिशनिंग और उसके नीचे बॉटल होल्डर की जगह और थोड़ा सा स्टोरेज भी दिया गया है। टिल्ट फीचर स्टीयरिंग व्हील में दिया गया है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। नीचे फ्यूल टैंक खोलने के लिए आपको लीवर दिया गया है। तीन पैडल देखने को मिल जाते हैं क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके बगल में फुटरेस्ट की भी जगह दी गई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलाइट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। अब एसी वेंट में देखिए रेड इंसर्ट काफी शानदार लग रहा है। क्लासिक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आरपीएम मीटर, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर, बीच में छोटी सी स्क्रीन जिसमें आपका फ्यूल इकोनॉमी, एक्युमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर इन्फो, करंट स्पीड, टायर प्रेशर आपका बताया था। इसके अलावा दोस्तों देखिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, आपका करंट टाइम, काफ़ी सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हालांकि लेदर रैपिंग्स में नहीं प्रोवाइड होगी। माउंटेड कंट्रोल दिखा देते हैं, देखिए मोड मिल जाता है। कॉलिंग के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। अब ये सिल्वर फिनिशिंग हमें देखने को मिल जाती है। फ्लैट बॉटम नीचे से मैंने आपको बताया, हुंडई का लोगो। राइट हैंड साइड में जो माउंटेड कंट्रोल है देखिए इसके थ्रू आप MID को मैनेज कर सकते हैं, जो कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए क्रूज कंट्रोल, जी हाँ, इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रंट और रियर वाइपर्स को मैनेज करने के कंट्रोल लेफ्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग व्हील के यहाँ पर आपको दिए गए हैं। राइट हैंड साइड में देखिए हेडलाइट को मैनेज करने के कंट्रोल, फॉग लैंप के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैंप इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डैशबोर्ड में ऑल ब्लैक थीम, AC वेंट्स में देखिए रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं, काफ़ी स्पोर्टी ये फील करवा रहा है दोस्तों। अब 8 इंच की यहाँ पर टच स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है, इसके बटन्स भी आपको दिए गए हैं, इसके थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, तो वायरलेस आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है, FM रेडियो आपको इसमें दिया गया है, वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए डायल दिया गया है, ट्यूनिंग के लिए भी यहाँ पर डायल दिया गया है, हैजार्ड लाइट का स्विच आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक AC इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, रियर एंड फ्रंट डिफॉगर के कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB चार्जिंग का स्लॉट दिया गया है, फास्ट USB चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, स्टोरेज हमें थोड़ा सा मिल जाता है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। क्लासी फिनिशिंग इसमें दी गई है, 2 beverage holder कप होल्डर की जगह। हैंडरेस्ट में भी देखिए आपको ये अच्छा खासा स्टोरेज दिया गया है। ट्विटर की पोजिशनिंग आप देख सकते हैं, रेड इंसर्ट इन AC वेंट में दिया गया है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, ऑल ब्लैक थीम दी गई है दोस्तों। अब ग्लव बॉक्स में देखिए कूलिंग फीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सो विच इज़ वेरी गुड। पैसेंजर साइड सनवाइजर में हमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, LED कैबिन लैम्प, सनग्लास होल्डर भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सनरूफ खोलने के लिए देखिए वन टच रहेगा, कुछ इस तरह से आपको वन टाइम प्रेस कर देना है दोस्तों। पैनारोमिक सनरूफ इसमें आपको ऑफर किया जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी लार्ज ग्लास एरिया ये कवर करती है दोस्तों और आजकल काफ़ी ट्रेंडी भी है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इस S+ वेरिएंट में भी आपको ये पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलती है। IRVM ये आपको देखिए मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड सनवाइजर में सिर्फ आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। डैशबोर्ड में जो ब्लैक थीम विद रेड इंसर्ट्स दिए गए ना दोस्तों, ये ओवरऑल जो कैबिन की फीलिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रही है, मतलब काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग ये दे दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की। तो दोस्तों इस समय हम लक्ष्मी हुंडई बैंगलोर में है, हेब्बाल की ब्रांच में, तो यहाँ पर जो इसकी ऑन रोड प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 18,67,000। ये मैं बता रहा हूँ आपको इंक्लूडिंग RTO, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और 5th ईयर वारंटी इंक्लूड करके। अगर आप इस गाड़ी को परचेस करना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डीलरशिप का नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।